Hello friends, assalamu alaikum. I hope you guys all of you are fine. I am also good, alhamdulillah. Daily vlog का third day है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको यूनिवर्सिटी का टूर करवाएंगे. अभी मैं वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाहर मेन एंट्रेंस के बाहर मौजूद हूँ. ठीक है, अभी अंदर जाएंगे और आपको इसका विजिट करवाएंगे. ठीक है, ये यूनिवर्सिटी वुहान सिटी में मौजूद है, जो कि सेंट्रल चाइना का सबसे लार्जेस्ट सिटी है और हुबेई प्रोविंस का कैपिटल है. ये यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस है. ठीक है, और ये इस साइड पे, राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये एग्जिट है. तो अभी हम चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको सब यूनिवर्सिटी दिखाते हैं. तो चले चलते हैं. तो चलिए आए चलते हैं. अब हम यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं. ठीक है, ये आप सामने देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है और ये साइड पे अपार्टमेंट बने हुए हैं. ठीक है, और अभी चलते हैं, मेन बिल्डिंग भी आपको दिखाते हैं. तो ये मेन बिल्डिंग है सारी, इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं. आ जाओ. तो इस टाइम मैं यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग में मौजूद हूँ. ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्लासेस वगैरह बनी हुई हैं. आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि लोकेशंस की वजह से चाइनीज़ स्टूडेंट्स भी ज़्यादातर चले गए हैं अपने होम टाउन, और काफ़ी यहाँ पे स्टूडेंट जो रहते हैं वो भी सब चले जाएँगे. ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी सब बंद हो जाएगी, इधर आपको कोई नज़र नहीं आएगा. लोकेशंस में भी आपको दिखाएँगे कि यूनिवर्सिटी में कैसा क्या रौनकें लगी होती हैं. ठीक है, और अभी आपको क्लासरूम दिखाते हैं. तो चले अभी ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर के क्लासेस भी दिखाते हैं. अभी हम 8th फ्लोर पे हैं. ठीक है, इस बिल्डिंग के 10th फ्लोर हैं, सब एक जैसे हैं. मेन बिल्डिंग में आके आपको पूरी यूनिवर्सिटी का व्यू आता है. ठीक है, ये आप चेक करें, ये आप व्यू चेक करें, कितना मज़े का व्यू आ रहा है इधर से. ये सामने आपको नज़र आ रही हैं सारी डॉर्मेट्रीज हैं. ठीक है, और ये लेक है. ठीक है, यूनिवर्सिटी की, और ये लाइब्रेरी है. ठीक है, ये बाहर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर एरिया है वो सारा. ये आप व्यू चेक कर सकते हैं कितने मज़े का है. ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की कैंपस की बिल्डिंग है और ये लाइब्रेरी है. अभी चलते हैं, आपको विजिट करवाते हैं इनका भी. यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग से बाहर आ गए हम और अभी चलते हैं ये कैंपस, कैंपस का व्यू दिखाते हैं, क्लासेस वगैरह दिखाते हैं. तो चलाओ चलते हैं. यूनिवर्सिटी की एक और बिल्डिंग है. ठीक है, स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, और इसके अंदर भी चल के देखते हैं क्या है. अभी तो सब खाली खाली नज़र आ रहा है क्योंकि वेकेशन है. बिल्डिंग में भी आर्ट एंड डिज़ाइनिंग की क्लासेस होती हैं. ठीक है, ये मेरे पीछे क्लासेस आपको नज़र आ रही होंगी. तो अभी तो कोई भी नहीं है क्योंकि वेकेशन की वजह से
हाँ इधर स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये देखें आप क्लासेस खाली हैं बिल्कुल। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ग्राउंड है यूनिवर्सिटी का, फुटबॉल ग्राउंड, और इसके साथ ये चाइनीज डॉर्मेट्रीज हैं, ठीक है। और ये ग्राउंड के राइट साइड पे एक और मेन एग्जिट है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और इस साइड पे आप देख सकते हैं ये कैंपस की बिल्डिंग है, ये एक और बिल्डिंग है एवरग्रैंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी चलते हैं दिखाते हैं आपको। ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं बास्केटबॉल वाला ग्राउंड है, और इसके पीछे कैंपस की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। तो चलाएँ कैंपस दिखाते हैं आपको। सामने आपको नज़र आ रही है तो वो लाइब्रेरी है, ठीक है। और इसके राइट साइड पे ये कैंपस की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कैंपस की बिल्डिंग है, इसके तीन पोर्शन हैं। इस साइड पे ये पोर्शन है जिधर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फिर जो भी हैं वो सब डील होते हैं, मैनेजमेंट इधर बैठती है, और जो बी बिल्डिंग है इधर क्लासेज होती हैं। इसके बैक साइड पे ये सी बिल्डिंग है, ठीक है। सी बिल्डिंग में ही हमारी क्लास होती है, वो भी आपको दिखाते हैं, चलो चलो। तो मैं अभी बी बिल्डिंग में हूँ, ठीक है। ये सारी क्लासेज वाली बिल्डिंग है, स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करने भी इधर आते हैं, स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं अंदर, ठीक है। और मैं आपको अपनी क्लास भी दिखाता हूँ। ये मेल वॉशरूम्स हैं, और सामने फीमेल सेपरेट वगैरह सेपरेट सेपरेट बनाए हुए हैं, ठीक है। इधर से आप पानी वगैरह भर सकते हैं। और अभी आपको लेकर चलते हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी दिखाते हैं। अभी चलते हैं लाइब्रेरी, आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं, आओ। ये लाइब्रेरी की बैक साइड है, ठीक है। इसकी फ्रंट साइड से हम एंटर होते हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो ये लाइब्रेरी की एंट्रेंस है, इधर से आप इंटर हो सकते हैं लाइब्रेरी में, ठीक है। मैं ये लाइब्रेरी के अंदर आ गया, चेक करें। इसके तकरीबन 6 फ्लोर हैं, और हर फ्लोर एक जैसा ही बना हुआ है। तकरीबन हज़ारों के हिसाब से इधर बुक्स हैं, स्टूडेंट्स इधर सेल्फ स्टडी करने भी आते हैं और लाइब्रेरी की बुक्स भी पढ़ते हैं। इधर बहुत ही खामोशी है, इसलिए हमें भी ज़्यादा वॉइस नहीं करनी है, ठीक है, स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं। तो ये साइड पे एलिवेटर बने होगी ऊपर जाने के लिए, मैं भी ओपन है, हाँ। नीचे वाले फ्लोर पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, तो मैं उसे ऊपर 5 फ्लोर पे आ गया। इधर आपको कोई भी स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये बुक्स पड़ी हुई हैं, आपको दिखाते हैं, ये देखें आप, ये पीछे पीछे तक बुक्स हैं, और ये इधर सारी बुक्स चाइनीज हैं। सेल्फ स्टडी के लिए बेशक आप इधर आ सकते हैं, ज़्यादातर चाइनीज स्टूडेंट्स ये अपनी बुक्स पढ़ते हैं। काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी की। तो ये लाइब्रेरी थी जो कि आपने देखी। अभी हम लेक की तरफ चलते हैं, ठीक है। और कैंटीन और डॉर्मेट्री का सेपरेट से ब्लॉग आएगा,
और इस वीडियो में तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी अगर इसी वीडियो में रिकॉर्ड किया गया। अभी वैसे भी शाम का टाइम हो रहा है, तो लेक की तरफ चलते हैं। आज तो ये हमारी लेक है, व्यू चेक करो कितने कमाल का आ रहे हैं। तो गाइस हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और कंटीन का डोमेस्टिक का ब्लॉग सेपरेट से बनाएंगे। काफ़ी थक चुके हैं हम, अभी यहाँ से वापस जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे। सी यू टुमारो विद नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। This is the future.